हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज हम लोग फिन निफ्टी के बारे में सीखेंगे। फिन निफ्टी क्या है, ठीक है, और कैसे इसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, और क्यों आपको फिन निफ्टी ट्रेडिंग करना चाहिए, और कितना लोड साइज होता है, सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे। और किस दिन ज़्यादा मोमेंट होता है, किस टाइम ज़्यादा मोमेंट होता है, वो सारा चीज़ हम लोग शॉर्ट से वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फिन निफ्टी के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो फिन निफ्टी क्या है कि जैसे नाम से समझ आ जा रहा है कि FIN मतलब फाइनेंस और निफ्टी, मतलब आपका फाइनेंस का कैटेगरी और निफ्टी कैटेगरी को मिला करके एक छोटा सा दूसरा आपको ये इंडेक्स बना दिया गया है फिन निफ्टी, ठीक है, और उसी को हम लोग फिन निफ्टी बोलते हैं। इसमें से जो आपका 66% से ज़्यादा जो वेटेज होता है ना आपका, ये बैंक निफ्टी का ही होता है, ठीक है, और बाकी जो वेटेज है आपका निफ्टी का होता है। लेकिन इसमें बहुत कम ये स्टॉक्स है, ओनली 20 स्टॉक्स से आपका ये बना है, ठीक है, ओनली 20 स्टॉक्स है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें ज़्यादा मूवमेंट होता है। ज़्यादा मोमेंट किस टाइम पे होता है और किस दिन होता है वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और इसका जो लोड साइज होता है आपका, ये लोड साइज होता है आपका ये 40 होता है, ठीक है, जिससे भी ये ज़्यादा मोमेंट होता है। और इसमें क्या है कि कभी आपका बैंक निफ्टी साइडवेज रहे या निफ्टी साइडवेज रहे, लेकिन आपका ये बैंक निफ्टी के केवल 2 स्टॉक्स यदि आपका ग्रीन है तो फिर भी ये ज़्यादा मोमेंट होता है। तो इसलिए मैं इसको प्रीफर करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। लास्ट 6 मंथ से पहले मैं ऑब्जर्व किया, उसके बाद फिर मैं इसको लास्ट 3 वीक से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने सीखा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, एक एक लाइन आप ध्यान से किएगा, एक एक लाइन आपके लिए अच्छा काम करेगा, ठीक है, और ये आपका ट्रेडिंग स्टाइल आपका चेंज कर देगा, ठीक है। ये तो आप सीख गए। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि मतलब इसमें ट्रेडिंग करने का जो टाइमिंग है सबसे बेस्ट क्या होता है, ठीक है। फिन निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए जो टाइमिंग है आपका सबसे बेस्ट, जो टाइमिंग आपका ये काम करता है आपका, ये आपका ये 9:30 से लेकर आपका ये 10:30, ये टाइमिंग आपका ये काम करता है जनरल डे में, ठीक है, मतलब एक्सपायरी डे छोड़ करके। जनरल डे मीन्स आपका मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, जनरल डे में। केवल फ्राइडे को हम लोग इसको ये अवॉइड करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि आपका ये फ्राइडे थोड़ा स्लो मोमेंट होता है। हाँ, लेकिन मार्केट यदि फ्राइडे को मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको करते हैं, लेकिन क्वांटिटी कितना रखते हैं, कम रखते हैं। यदि आपका नॉर्मल क्वांटिटी आपका ये 1000 है तो वहाँ पे आप 90% कम कर दीजिए, मतलब 100 क्वांटिटी से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं फ्राइडे के लिए। बेस्ट डे जो टाइमिंग होता है ट्रेडिंग करने के लिए, ये उसको हम लोग ये सीखते हैं, बेस्ट डे कौन सा होता है, ठीक है। बेस्ट डे आपका ये इसका जो एक्सपायरी हो जो होता है ना उसी दिन होता है इसका एक्सपायरी। जैसे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी आपका थर्सडे को होता है, लेकिन इसका एक्सपायरी क्या होता है आपका, ये ट्यूसडे को होता है, ठीक है। तो पहले एक मौका देता था कि निफ्टी में बैंक निफ्टी में पैसा कमाने के लिए, ठीक है, आपका एवरी थर्सडे को, लेकिन अभी एक और मौका आपके पास आ गया है कि आपको ये ट्यूसडे को भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यदि आप यदि जो अभी हम लोग सीखेंगे उसको फॉलो कीजिएगा तो आप ट्यूसडे को अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। ये बेस्ट जो डे होता है ट्रेडिंग करने के लिए, एक तो आपका हो गया ट्यूसडे। वेडनेसडे को कहीं नहीं करना है, क्योंकि वेडनेसडे फिर आपका इसके लिए फ्राइडे हो गया, ठीक है। वेडनेसडे क्या हो गया, इसको ये इसको छोड़ देना है, या करते भी है तो ऑप्शन सेलिंग कीजिएगा, बाइंग नहीं कीजिएगा। बाकी आप थर्सडे कर सकते हैं, ठीक है, थर्सडे करना है, और उसके बाद फिर आपको मंडे तो एनी हाउ करना है, ठीक है, और आपको ये ट्यूसडे तो एनी हाउ आपको करना है। ये 3 दिन आपको करना है, आपको ये एक्स्ट्रा ट्रेडिंग करना है, ठीक है। और टाइमिंग जो मैंने बताया कि इसमें किसे आप हम लोग कैसे जानेंगे, नॉर्मल डे में हम लोग कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं इसके हिसाब से, ठीक है, वो हम लोग सीख लेते हैं। नॉर्मल डे में आपको केवल 3 चीज़ देखना है, ठीक है, आपका एक HDFC बैंक देखना है, ठीक है, HDFC बैंक देखना है, और दूसरा आपको देखना है आपका ओनली HDFC ये हाउसिंग फाइनेंस वाला जो होता है, और उसके बाद फिर आपका ये ICICI क्या इस पता नहीं स्पेलिंग क्या होता है, वो बैंक होता है, आप लोग फीलिंग समझ लीजिएगा, ठीक है, ये ICICI बैंक। ये 3 चीज़ देखना है, ठीक है, ये 3 चीज़ देखना है कि यदि इन लोग डे हाई के ऊपर जो सुबह जो ओपन होता है ना 9:25 के बाद जो मार्केट एडजस्ट हो जाता है, यदि इन लोगों का डे हाई के यदि ऊपर है, मतलब ओपन हाई लो देख लीजिएगा, ठीक है, यदि डे हाई के यदि ऊपर है, दिन का डे हाई के यदि ऊपर है, तीनों यदि ऊपर है, और साथ में यदि आपका बैंक निफ्टी यदि साथ दे रहा है, ठीक है, साथ में आपको क्या है, बैंक निफ्टी यदि आपका साथ दे रहा है, इन लोग भी दिन का डे हाई से यदि ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये CE के लिए बाइंग करेंगे, ठीक है, CE बाइंग करेंगे यदि दिन का डे हाई से यदि ऊपर है। यदि दिन का यदि डे लो है, ठीक है, दिन का यदि डे लो से यदि नीचे चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर हम लोग ये PE बाई करेंगे, PE हम लोग बाई करेंगे, ठीक है। जो टाइमिंग जो मैंने बताया
उसके हिसाब से करेंगे। ये तो नॉर्मल डे ट्रेडिंग हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग स्ट्राइक प्राइस क्या रखते हैं नॉर्मल डे में, वो हम लोग अभी सीख लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल डे मीन्स आपका ये हो गया मंडे हो गया, ठीक है, आपका थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया। तो नॉर्मल डे में जो स्ट्राइक प्राइस आपका हमारा होगा, ठीक है, नॉर्मल डे में जो स्ट्राइक प्राइस इसका हम लोग, ये सबसे अच्छा जो मूवमेंट होता है आपका, ये 100 टू 120 के बीच आपका प्रीमियम आपको प्राइस लेना है। जैसे ट्रेंड तो आप चेक कर लिए, ठीक है, कि HDFC बैंक या HDFC ICICI बैंक या बैंक निफ्टी से, वो तो आप ट्रेंड चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इस स्ट्राइक प्राइस में आप ट्रेडिंग कीजिएगा नॉर्मल डे में, जो एक्सपायरी कर एक्सपायरी के भी हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। इसका हम लोग SL कितना रखेंगे, हम लोग SL 30 पॉइंट रखेंगे, और टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट हम लोग 30 पॉइंट होगा, उसके बाद फिर 60 पॉइंट, ठीक है। ये हम लोग का 1:2 मतलब 1 रिस्क रिवार्ड है, 30 पॉइंट टारगेट आ जाएगा, उसके बाद फिर प्रॉफिट को आप ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग मेन जो आज सीखना है कि कैसे हम लोग ये एक्सपायरी डे में ट्रेडिंग करके हम लोग कैपिटल को डबल ट्रिपल कर सकते हैं, वो हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपायरी डे का सिंपल सा है, ठीक है, इसमें 3 से 4 स्टेज है जो अभी हम लोग एक फ्री में सीखेंगे, बाकी हम लोग ये पेड कोर्स में सीखेंगे, उसमें विथ लाइव ट्रेडिंग सब सीखेंगे। अभी तो हम लोग ये सीखेंगे, ऐसा नहीं कि जो अभी बता रहा हूँ वो काम नहीं करेगा, केवल पेड में जो सीखेंगे वही काम करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सारा चीज़ काम करेगा, बस रूल को फॉलो कीजिएगा, उसको फॉलो करना। पहला इसमें रूल ये है कि आपका कैपिटल का ओनली 10% यूज़ करना है, ठीक है। यदि कैपिटल आपका 1 लाख है, ठीक है, यदि आपका कैपिटल 1 लाख है, ठीक है, तो फिर आपको यूज़ करना है आपको 10,000 मतलब 10% कैपिटल का यूज़ करना है, ठीक है। ट्रेडिंग कैसे करना है, ट्रेडिंग करने के लिए आपको 2 से 3 कंडीशन होना चाहिए इसमें हम लोग ये करने के लिए, ठीक है। एक्सपायरी डे में पहला कि यदि आपका मार्केट ह्यूज गैप अप मार्केट ओपन हो, ठीक है, ह्यूज गैप अप हो, ह्यूज गैप अप मीन्स आपको समझा दे रहा हूँ, या ह्यूज आपका गैप डाउन मार्केट हो, ठीक है, या ह्यूज क्या आपको गैप डाउन मार्केट हो, ठीक है, या आपका मार्केट क्या आपका फ्लैट ओपन हो, ठीक है, फ्लैट मार्केट ओपन हो, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मतलब ह्यूज गैप अप का मतलब हो गया फिन निफ्टी के बारे में कि आपका ये 150 टू 250 के बीच में आपका मार्केट क्या हुआ, आपका गैप अप हुआ, या आपका 150 टू 200 के बीच में 250 के बीच में क्या हुआ, आपका गैप डाउन ओपन हुआ। फ्लैट आपका क्या हुआ, प्लस या माइनस आपका 15 से 20 पॉइंट मार्केट मूवमेंट हुआ। तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे, ये तो हो गया कंडीशन। वो दिन देखना है मार्केट आपका कैसा ओपन हुआ है, यदि इस कंडीशन में यदि आपका मार्केट ओपन हुआ तभी इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे। अब फॉलो क्या करना है वो अभी हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है, वो हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्रोसेस जो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपको ये 925 को हम लोग ये वॉचलिस्ट बनाएंगे, ठीक है। प्रीमियम जो हम लोग रहेगा आपका, प्रीमियम जो हम लोग जो बाय करेंगे, ठीक है, यदि ये कंडीशन मिला है जो हम लोग बात किए, प्रीमियम जो हम लोग बाय करेंगे आपका ये 42 आपका 50 के बीच में होना चाहिए। एक 45 हो सकता है, 55 हो सकता है, 5 से 10 रुपये का डिफरेंट चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन ये प्रीमियम का रेंज होना चाहिए। अब हम लोग इसको ये बाय कैसे करेंगे, ठीक है। पहला क्या है कि हम लोग ये पहला हम लोग क्या करेंगे, इसको ये बाय करेंगे, हम लोग दोनों CP को बाय करेंगे, ठीक है, ये आपका ये सी, ठीक है, और आपका ये पी, ठीक है, सी पी दोनों को बाय करेंगे, ठीक है। और प्रीमियम का रेंज हम लोग कितना बोले आपको, 40 टू 50 के बीच में कितना बाय करेंगे हम लोग, 925 को बाय करेंगे, ठीक है। दोनों का SL क्या हो जाएगा, दोनों का SL क्या हो जाएगा, हम लोग का 15 हो जाएगा, और दोनों का टारगेट हमारा क्या हो जाएगा आपका, दोनों का टारगेट हमारा हो जाएगा आपका 90 और 120, ठीक है। ये एक हम लोग का जब आपका 15 आ जाएगा तो उसको हम एडिट कर देंगे, दूसरे को वेट करना है। और ये निफ्टी से अलग है, बैंक निफ्टी से अलग है, तो ये क्या है, यूजुअली आपको जो टारगेट हम लोग को 11:30 से पहले आपको टारगेट दे देगा, 11:30 से पहले आपको ये टारगेट दे देगा, तो आराम से प्रॉफिट बुक कर लेना है, दोबारा एंट्री नहीं करना है, ठीक है। दोबारा बस यदि बाय चांस यदि 11:30 से पहले यदि आपको टारगेट नहीं दिया तो आपको मैक्सिमम 1:30 तक वेट करना है, 1:30 तक टारगेट नहीं दिया फिर इसको हम लोग इग्नोर कर देना है। यदि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप, बहुत ज़्यादा गैप डाउन, बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा फ्लैट मार्केट ओपन हो तब इस कंडीशन को फॉलो करना है, और ये श्योर है कि आपको 130 से पहले आपको ये टारगेट दे देगा, ठीक है। तो समरी हम लोग सीख रहे हैं कि हम लोग अभी क्या सीखें, हम लोग निफ्टी के बारे में सीखें, निफ्टी फिन निफ्टी के बारे में सीखें, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या किए हैं, हम लोग एवरी एक्सपायरी डे में मतलब ट्यूजडे को एक CEP बाय करते हैं, दोनों कैसे रखते हैं 15 रुपीज़, और दोनों को टारगेट रखते हैं हम लोग 19 और 90 और आपका ये 130 मतलब 90 रुपया
और दूसरा टारगेट हम लोग को 130 रुपीज़ से, ठीक है। और ये मैक्सिमम हम लोग जो टारगेट दे देता है 11:30 से पहले दे देता है, कभी कभी आपको टारगेट देगा आपको 130 तक देगा, ठीक है। तो वहाँ तक आपको होल्ड करना है, लेकिन कैपिटल आप यूज़ कर रहे हैं ओनली 10%, तो आपको रिस्क नहीं। लेकिन हाँ, आपका 10 एक्सपायरी में, ठीक है, आपका 9 एक्सपायरी आपको डबल ट्रिपल होगा, आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। ये आज का लर्निंग वीडियो है, बाकी हम लोग मिलते हैं ट्यूजडे को लाइव ट्रेडिंग के साथ, और भी काफ़ी सारा सीक्रेट इसके बारे में, ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है, और हम लोग पेड कोर्स में सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।